Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss about biotechnology courses in IIT Ropar through गेट. अगर आप लोगों ने अपना गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम क्रैक कर लिया है और अगर आप लोगों ने अपना गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम क्रैक कर लिया है तो अब आप लोगों के लिए क्या आईआईटी रोपर में अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कौन सा कोर्स यहां से कर सकते हैं थ्रू योर गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, थ्रू योर गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम, यही आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में कुछ आईआईटीज के बारे में डिस्कस किया है या कुछ जो हमारे इंडिया के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया है, सेम एज ऐसे ही आज हम अपनी इस वीडियो में आईआईटी रोपर के बारे में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप लोग यहाँ से अपना कौन सा कोर्स कर सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से ही हमारा रिलेटेड है. तो आप लोग फ्रेंड्स अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोग यहाँ से आफ्टर कम्प्लीट योर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, आप लोग यहां से एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर आप लोग यहां से कर सकते हैं, तो आप लोग ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि यहां पे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स नहीं होता. यहां का जो सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इस डिपार्टमेंट से आप लोग यहां से एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं. ये आईआईटी आप लोगों को एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स ओनली ऑफर करता है. और अगर आप लोगों ने अपना बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है, आप लोगों ने अपना बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया है, आप लोगों ने अपना बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया है या आप लोगों ने अपना बी फार्मेसी कोर्स किया है, तो आप लोग यहां पे एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. आप लोग यहां से एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं. और आप लोगों के पास में इस कोर्स को करने के लिए आफ्टर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आप लोगों का गेट बायोटेक्नोलॉजी या गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई होना जरूरी है और आप लोगों का स्कोर भी उसमें अच्छा होना जरूरी है. तो ये बात हो गई कि ये आईआईटी आप लोगों को कौन सा कोर्स ऑफर करता है. तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आईआईटी रोपर है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग फर्दर एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और जो यहाँ का सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इस सेंटर में आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं. ठीक है, पीएचडी आप लोगों को ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में ही आप लोगों को ये पीएचडी ऑफर करता है. और आप लोगों के जो पीएचडी के टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे. जब आप लोग आईआईटी रोपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन टॉपिक्स में आप लोग पीएचडी कर सकते हैं. और आप लोग उनमें से कोई भी एक टॉपिक चुन के आप लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पे पीएचडी भी कर सकते हैं. और आप लोग गेट एग्जाम के थ्रू, जैसे आप लोगों का जो गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है या आप लोगों का जो गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम है, इस एग्जाम के स्कोर के थ्रू आप लोग आफ्टर कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आप लोग डायरेक्ट पीएचडी में भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आई होप बहुत ही आप लोगों के फ्यूचर के लिए मेजर एंड वेरी प्रीटी क्रूशियल रोल प्ले करेंगी और आप लोगों को एक राइट पाथवे प्रोवाइड कराएंगी आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा आईआईटी कौन सा कोर्स ऑफर करता है. तो उन सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए ही मैंने जो हमारा ये एक वीडियो का जो हमारा सेशन था या वीडियो की जो हमारी वीडियोस की जो हमारी सॉरी सीरीज थी जिसमें हमने अपने बहुत सारे आईआईटीज के बारे में डिस्कस किया, ये उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड किए हैं चिकीज बायोलॉजी चैनल पे. क्योंकि मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला था जब मैंने अपना गेट एग्जाम क्वालिफाई किया था, देन उसके बाद जब मैं आईआईटी में अप्लाई कर रहा था, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस की है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करें. तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूं और आप लोगों को जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनसे मैं आप लोगों को हमेशा ही अवेयर कराता हूं अपनी इन सभी वीडियोज में. तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अपने नए आईआईटी के बारे में बात करेंगे
तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में वहां पे पहुंच जाएगा, आप लोगों के पास में चला जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब वहां पे कर लिया है। तो आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने क्लीग्स को आप लोग ये सभी जो वीडियोज हैं इनका लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को, अपनी क्वेरीज को आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और जो वीडियो का हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा ही आप लोगों को चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज की लिंक प्रोवाइड कराता हूं और आप लोगों को चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक मैं वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज और चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को, अपनी क्वेरीज को वहां पे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।